4. Okay, there is no difference like in the addition method. आपको दो definition था, that was one direct one and another one जिसमें question आपको लिखा था and in that we have to bring in that form. आपको उस form में लाना था for solution form and हमको उसका answer find out किया था, right? So here also the question number 3 and 4 is something like this. So let's see it. Question number 3 subtract. Here the question will be given like this. ठीक है, ऐसे addition में भी आपने question देखा था, right? Yes, so here also subtraction also. The question will be given like this. 920 minus 720. That means 920 minus karoge 720 ke sub. Yes, so greater number will be up and the smaller number will be down. So we will bring to this form. Hum usko subtraction form like this we will bring taki hum easily usko subtract kar sake, right? Now directly we have to subtract. Yes, 100 space, 10 space and 1 space. So from where we used to start? Kahan se start karte the hum? 1 space se. Yes, so 1 space mein kya hai? 0 minus 0. So 0 minus 0 kya hota hai? 0. Yes, so 0 minus 0 will be 0. Next is 2 minus 2. Now maine bola tha similar number jab hum minus karte hain to kya ho jata hai? कुछ नहीं बचता है हमारे पास, लाइक यू कैन सी 1 एंड 2. अब उसमें से 1 एंड 2 मैंने माइनस कर दिया, क्या बचा? नथिंग. नथिंग मींस 0. दैट मींस आपके पास दो चॉकलेट थी, टू चॉकलेट्स यू आर हैविंग एंड दैट टू चॉकलेट्स यू हैव गिवन टू योर फ्रेंड. तो कितना बचा आपके पास? नथिंग, कुछ नहीं बचा, राइट? सो 2 माइनस 2 विल बी 0. नाउ वी आर हैविंग 9 माइनस 7. सो हियर दिस नंबर 9, 9 फिंगर्स निकालेंगे, उसमें से कितना कट करना है हमको? 7. So we'll cut 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. How many left? Kitna bach gaya? Number 2. So that means number 2. So what is the difference? 200. So that means aapke paas 920 cash tha. And from that cash, aapne 720 ke books khareedi. Yes, you have brought the books over to be 720. Ab aapke paas kitna cash bach gaya? So that difference is 200. Abhi aapke paas 200 cash bach gaya. Now we'll see one more example of that. 479 minus 142. Ab hai hamara 479 minus 142. To isko hum is wale form mein dal denge. So we'll write 479 minus 142. Aur dhyan se likhenge jo 1s ke place mein hai usko 1s ke place mein, जो टेंस के पेज में उसको टेंस के पेज में और जो 100 के पेज में है उसको 100 के पेज में ही लिखेंगे, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग. यस, नाउ अब 100, 10 से मैक्स अभी हमको ये तीनों चीज दे दी है. वेयर वी विल स्टार्ट माइनसिंग? कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से. यस, सो विल स्टार्ट माइनसिंग नंबर फ्रॉम 1, दैट इज 9 माइनस 2. सो ये थे हमारे 9 फिंगर्स. इसमें से कितना कट करना है? 2. सो 1 and 2, कितना बच गया? 5, 6 and 7. How many left? 7. So हम लिख देंगे आपके नंबर 7. Next is 7 minus 4. So 5, 6 and 7. अब इस 7 में से कितना कट करना है हमको? 4. So 1, 2, 3 and 4. How many left? Number 3. So हम यहाँ लिख देंगे नंबर 3. Next is 4 minus 1. So ये इस नंबर 4 minus 1. कितना बच गया? नंबर 3. यस, सो वी राइट हियर नंबर 3. सो क्या बोलते हैं हम लोग? वी वर हैविंग 479 कैश एंड फ्रॉम दैट कैश आपने 142 के फ्रूट्स खरीदे. ठीक है, फ्रूट्स पसंद है ना? यस, तो 142 के फ्रूट्स खरीदे. अब आपके पास कितना कैश बच गया? आपको मम्मी को कैश रिटर्न करना है ना? यस, तो कितना कैश आप रिटर्न करोगे? 337 कैश आप मम्मी को रिटर्न करोगे आफ्टर बाइंग 142 रुपीस ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे विदाउट बोरिंग, मतलब जिसमें बोरिंग करने की जरूरत नहीं है, ये उसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे. नाउ वी विल सी कि विद बोरिंग के सम्स कैसे होते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4 विल बी सब्ट्रैक्ट. Here we will see the with borrowing sums, यानी borrowing के साथ में आप कैसे sums करते हो वो. ठीक है, so first example we will see here is 352 minus 147.
Yes, तो इसको हम पहले सबट्रैक्शन के फॉर्म में लेकर आ जाते हैं 352 माइनस 147. अब कैसे पता चला दिस इज बोरिंग और नॉट बोरिंग? हाउ? दिस वे. देखिए 2 माइनस 7 छोटे में से बड़ा माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट? सो हम क्या करेंगे? हम बोरो करेंगे. सो बोरो करने के लिए हम कहां से लेंगे? आगे वाले नंबर से, है ना? सो यहां पे क्या है? 2 माइनस 7 नहीं हो सकता, तो हम बोरो करेंगे 5 से. यस, सो हम करेंगे 5 को दे देंगे 4, यानी कि एक नंबर कम. ठीक है, एक नंबर कम दे दिया हमने. देन वो नंबर हम किसको दे देंगे? 2 को दे देंगे. सो क्या हो जाएगा? नंबर 12. यस, जो हमने 5 से इसको लेके दिया तो ये बन गया नंबर 12. अब माइनस हो सकता है 12 माइनस 7? यस, क्यों? Because 12 is greater and 7 is smaller. So, हमारे पास already 10 fingers है. 10 के साथ अगर 2 add कर दो तो क्या हो जाएगा? 12. Yes. So, हम इस 12 यानी इस 2 से cut करना चालू करेंगे number 7. So, 1 and 2. 2 खत्म हो गया. अब 10 से हम लोग 3 count करेंगे. 3, 4, 5, 6 and 7. कितना बच गया? Number 5. So, we'll write here number 5 as the answer. आप आंसर चेक भी कर सकते हो. 7 plus 5 7 8 9 10 11 and 12 आया. यस, आप रीचेक भी कर सकते हो अपना आंसर whether that is right or wrong. ओके, सो हमने ये कर लिया. वंस इज डन. नाउ 10 स्पेस 4 minus 4 अगेन सेम नंबर. जब भी सेम नंबर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. राइट, बिकॉज अगर आपके पास 4 चॉकलेट्स थी तो 4 चॉकलेट्स आपने आपको अपने फ्रेंड्स को दे दिए, राइट? आपके पास कितना बचा? कुछ नहीं बचा, राइट? 0 चॉकलेट. आपके पास कुछ नहीं बचा है. मींस सेम नंबर जब भी हम माइनस करते हैं द आंसर विल बी कमिंग एज 0. सो 4 माइनस 4 विल बी 0. नेक्स्ट इज 3 माइनस 1. सो ये इज 3 माइनस 1. कितना बच गया? नंबर 2. सो वी विल राइट हियर नंबर 2. सो व्हाट इज द आंसर? 205. So this was one example of with borrowing. Let's see one more example of with borrowing. That is 305 minus 178. अब 305 minus 178 करना है. पहले हम इस फॉर्म में लेकर आ जाते हैं 305 minus 178. ठीक है, और ध्यान से हम लोग का जो वहाँ पे 1 के बेस में 10 के बेस में 100 के बेस में जो नंबर जहाँ दिया गया है we will write it properly. Otherwise your marks will be means your answer will be wrong. आपका answer wrong हो जाएगा, है ना? तो answer तो wrong नहीं करना है. Yes. So now let's start with that. So ones के place में है 5 minus 8. 5 minus 8 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना. Why? Because 5 is smaller and 8 is greater. तो smaller minus greater नहीं हो सकता. तो हम क्या करेंगे? हम borrow मांगेंगे उसकी आगे वाले नंबर से. Now see here. अब यहाँ पे तो है 0. अब 0 में से तो हम कुछ बोरो ले नहीं सकते, तो और एक नंबर आगे जाएंगे, दैट इज 3. नाउ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया था हाउ टू डू द बोरिंग सम. जब बीच में भी 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? हमको ये समझ के चलना है कि ये 100 ने 10 को नंबर दिया है. सो अगर मैं 3 में से एक नंबर कट करूंगी तो ये हो जाएगा 2. तो 0 को मिल जाता है नंबर 10. ठीक है, अब उस 10 में से भी एक नंबर मेरे को देना है नंबर 5 को. तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? नंबर 9. यस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी नंबर 9 या कोई इनडायरेक्ट. ठीक है, सो ध्यान से करेंगे. क्यों किया? क्योंकि हमने 3 से एक नंबर इसको दिया एंड दिस नंबर विल बिकम 10. ये 10 नंबर ही होगा, बट इस 10 नंबर में से भी हमने आगे दिया, दैट इज व्हाई दिस विल बिकम नंबर 9. इसलिए नंबर 9 हो जाएगा. ओके, इसको नंबर 9 दे दिया. अब नंबर 9 में से इसमें हमने दिया था, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15. क्या लिख देंगे यहाँ पे? 15. अब 15 माइनस 8 हम लोग कर सकते हैं? यस, बिकॉज 15 इज ग्रेटर एंड 8 इज स्मॉलर. सो 10 फिंगर्स समानता से 10 प्लस 5 कर देंगे तो 15. यस, लेट्स माइनस फ्रॉम हियर 5 से 1 2 3 4 एंड 5. 5 कट हो गया. अब हमको और 8 तक पहुंचना है. सो इट्स लाइक 6 7 एंड 8. कितना बच गया? 5
the number 7. If you want to check, 8 or 7 to add karke dekhenge to 15 aayega. See, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Humne 8 ke saath 7 add kiya, 15 mila. Yes, to aap niche pe apna answer kar sakte ho. Abhi 1 so kya tha, mujhe 2 tens. Now, tens mein hai 9 minus 7. So, it is number 9 minus kitna karna hai? 7. So, we will do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Kitna bach gaya? Number 2. Yes, so we will write a number 2. Next is 2 minus 1. So, 2 minus 1 kar diya. Kitna bach gaya? Number 1. Yes, so we will write a number 1. So, this was another example of with borrowing. ठीक है? और यहाँ पे जब भी बीच में zero आ जाएगा, then वो ध्यान से हम sum करेंगे. वो ध्यान रखना है कि वो zero को हमने 100 के place से number दिया है. अब उस tens में जो हमको 10 मिला, उसमें से भी हम आगे वाले number को देते हैं. That is why we are writing one number less. इसलिए हम एक number कम यहाँ पे देते हैं. ठीक है? वो चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. डू इट प्रॉपर्ली. यू हैव टू सी द सम प्रॉपर्ली एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू डू. ठीक है? सो हियर क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव कंप्लीटेड. नाउ हियर वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज काउंट एंड सबट्रैक्ट. इफ यू रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी इन चैप्टर नंबर 3 वी हैव डन काउंट एंड ऐड. काउंट एंड ऐड हमने किया. सिमिलरली यहाँ पे भी हमको वही चीज करनी है. काउंट पर एंड सब क्या डिफरेंस हो गया? वहां पे हमने ऐड किया था, इधर हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे. तो हमने वहां प्लस किया था या हम करेंगे माइनस. ठीक है? सो जैसे हमको क्वेश्चन में बोला गया है इन दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन. 100 का बोला है स्टार. 100 विल रिप्रेजेंट एज स्टार. 10 विल रिप्रेजेंट एज स्क्वायर एंड 1 विल रिप्रेजेंट एज स्ट्रिंग. So you have to count that. जितने भी स्टार दिए हैं, you have to count and that you have to write in a 100 form. Then you have to count the square and then you have to write down in your tens form. And then you will count the triangle and then you will write in a 100 form. ठीक है? So we'll see one example over here. हमको दो बॉक्स दिए गए हैं and in between minus का सिंबल दिया गया है and हमको नेक्स्ट यहाँ पे ये पूरा फॉर्मेट भी दिया गया है, राइट? सो 100 जो स्टार है, वो काउंट द स्टार फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स एंड वी विल राइट इन द फर्स्ट ब्लैंक. देन वी विल काउंट ओवर हियर एंड वी विल राइट इन द सेकंड ब्लैंक. ठीक है? एंड दिस इक्वल्स टू हियर वी विल राइट फाइंड आउट द आंसर. ठीक है? सो अब 100 के लिए हमको क्या काउंट करना है? स्टार. सो इन दिस बॉक्स हाउ मेनी स्टार्स आर देयर? 1 एंड 2, 2 स्टार्स है. तो 100 की जगह पे मैं लिख दूंगी नंबर 2. यहाँ पे मैं लिख दूंगी नंबर 2. नेक्स्ट हमारा है टेंस में. टेंस में हमको क्या काउंट करना है? स्क्वायर. सो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 स्क्वायर्स आर देयर. सो मैं यहाँ लिख दूंगी नंबर 7. टेंस पे मैं लिख दूंगी नंबर 7. एंड वन स्टेट क्या हमको काउंट करना है? ट्रायंगल. सो सी हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? 1, 2, 3 and 4 triangles are there. So, मैं लिखूंगी number 4. अब हमारा ऊपर का box is ready. Now, minus this box. अभी हमको ये box में देखना है. So, 100 के form है star. So, how many stars are? Stars है? नहीं है, right? So, star नहीं है. That means, नीचे 100 में कुछ भी नहीं दिया गया है. So, we will directly move to tens form. And tens के लिए हमको क्या काउंट करना है? Square. See how many squares are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. How many squares are there? 7 squares. So, मैंने दूंगी number 7. Hundreds के में मैंने क्यों नहीं लिखा? Because वहाँ पे कोई भी star नहीं दिया गया था, right? And ones में है हमारा triangle. So, we have to see how many triangles are there. 1, 2, 3 and 4 triangles are there. So, we will write here number 4. Now, we have what we have to do? हमको करना है सबट्रैक्ट. हमको करना है माइनस. सो 4 माइनस 4 विल बी सेम नंबर माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? 0. यस. सो 4 माइनस 4 विल बी 0. देन 7 माइनस 7 अगेन सेम नंबर आ रहा है तो 7 माइनस 7 विल बी 0. नाउ 2 के नीचे कुछ भी नहीं है. सो 2 नंबर एज इट इज. सो 200 इज योर आंसर.
answer. So what you have to do in this question? आपको ये पूरे boxes यानी कि जो information दी है according to that you have to count and you have to write down in this box and then you have to find out the answer. And how you will find out the answer? By subtracting. ठीक है? ये जो दो boxes आपने जो number के form में लिखा है you have to find out the answer by subtracting this four. Okay? So here we have learned question number 3, 4 and 5. Question number 3 is the without boring sums. यानी without boring आपको करना है. Question number 4 is with boring sums. यानी कि boring के साथ करना है. And question number 5 was count and subtract. जिसमें आपको box दिए गए हैं and that information is given right. 100, 10s and 1s. According to that you have to count them. Then you have to write down, you have to mention over there and you have to do the subtraction. ठीक है? So question number 3 and 4 you have to write down in your notebook. सारे sums नहीं लिखने हैं notebook में. I will give you the selected sums that you write down in your notebook and the remaining sums you practice it, okay, in your notebook. And question number 5 that you have to write down in your practice book itself. ठीक है? तो आपको वहाँ पे count करके directly इसमें covering पे जाना है, okay? So do write neatly and do practice all the sums again and